हेलो गाइस, वेलकम टू सीएमए क्लासेस। न्यू कॉन्सेप्ट उठाया है डायरेक्ट टैक्सेशन का। स्टार्ट करेंगे विद बेसिक कॉन्सेप्ट। सो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है डायरेक्ट टैक्सेशन, चलो स्टार्ट किया जाए। टैक्सेशन क्या होता है सबसे पहले वही समझ लेते हैं, तो वो आपका इंट्रोडक्शन में क्लियर हो जाएगा। इन अ वेलफेयर स्टेट द गवर्नमेंट टैक्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन एज इन मैटर्स ऑफ हेल्थ केयर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल सिक्योरिटी एंड अदर डेवलपमेंट नीड्स टू फैसिलिट दीज गवर्नमेंट नीड्स रेवेन्यू। आप कहीं पर भी रहते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट को अगर अपने सिटीजन को हेल्थ मैटर के लिए कुछ प्रोवाइड करना पड़ता है, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी एंड अदर डेवलपमेंट्स, कुछ भी आज गवर्नमेंट आपके लिए कर रही है, रोड लाइट्स है, आप रोड देख सकते हो, आप आर्मी देख सकते हो, तो गवर्नमेंट को इसके लिए एक रेवेन्यू चाहिए होती है। और वो रेवेन्यू चाहिए होती है, इसके लिए वो आपसे कलेक्ट करती है, वो होता है टैक्स। द टैक्सेशन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट फॉर इंकरिंग सच पब्लिक वेलफेयर एक्सपेंडिचर। अब टैक्सेशन क्या है, यहाँ पे टैक्सेशन ही एक प्राइमरी सोर्स है गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू जनरेट करना फॉर पब्लिक वेलफेयर एक्सपेंडिचर। ठीक है, इन अदर वर्ड्स गवर्नमेंट इज टेकिंग टैक्सेस फ्रॉम पब्लिक थ्रू इट्स वन हैंड एंड थ्रू अनदर हैंड। अगर हम अलग शब्दों में कहें तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, पब्लिक से टैक्स कलेक्ट कर रही है, या वन हैंड या थ्रू अनदर हैंड। वन हैंड मीन्स क्या, थ्रू अनदर हैंड क्या, वो मैं आपको समझा दूंगा आगे। However, no one enjoys handling over his hand earned money, hard money to the government to pay taxes. हम जो कमाते हैं, हम वो पूरी की पूरी सैलरी enjoy नहीं कर सकते without paying any tax to government. Thus, tax are compulsory or enforced contribution to the government revenue by public. तो हम कह सकते हैं कि टैक्स या तो compulsory या enforced कंट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट रेवेन्यू का बाय पब्लिक। अब लेवी की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट में लेवी टैक्सेस ऑन इनकम, बिजनेस प्रॉफिट और वेल्थ और एडिड टू द कॉस्ट ऑफ सम गुड्स, सर्विस एंड ट्रांजैक्शन। अब गवर्नमेंट टैक्स कैसे वसूलती है, या तो इनकम पे, या बिजनेस प्रॉफिट पे, या किसी की वेल्थ पर, या कोई गुड्स या सर्विस और ट्रांजैक्शन के कॉस्ट को उसके ऊपर लगाकर। अब टोटल दो तरह के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, हम यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन समझा देते हैं। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। डायरेक्ट टैक्स मीन्स के डायरेक्टली किसी पर्सन से वसूल किया जाना, इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स के किसी भर कौन रहा है, इम्पैक्ट किसी और को पड़ रहा है और इम्पोज जाके किसी और को हो रहा है। मीन्स डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, मैं आपको कह दूं कि आप एक सैलरी, आप एक पर्सन हो, आप एक इनकम अपने सैलरी से कमा रहे हो। अब इनकम के ऊपर, आपकी इनकम के ऊपर जो डायरेक्टली टैक्स लगता है वो इनकम टैक्स वाला, वो होता है डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब कुछ आप चीज़ें लेना, आपके पास मोबाइल होगा, अभी आपके पास पेन होगी, पेंसिल होगी, उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट टैक्स का हम डिफरेंस बिटवीन समझ जाते हैं, समझ लेते हैं। इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन द सेम पर्सन, मतलब इंसिडेंस भी और इम्पैक्ट दोनों एक ही पर्सन पर पड़ता है। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन टू डिफरेंट पर्सन, यहाँ पे टू डिफरेंट पर्सन पे होता है। मैन्युफैक्चरर होता है, वो लगाता है रिटेलर को, रिटेलर लगाता है कंज्यूमर को, हालांकि पे कंज्यूमर कर रहा है, टैक्स का पेमेंट कौन करेगा, पेमेंट करेगा मैन्युफैक्चरर गवर्नमेंट को, लेकिन लगा किसको, तो हम कहेंगे लगा कंज्यूमर को। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट है एसएससी हिमसेल्फ बियर सच टैक्स, दस इट पिंचेस द टैक्स पेयर। अब क्या होता है, आपको कोई डायरेक्टली थप्पड़ मारे उसी वक्त आपको फील होगा, वो बस इस तरह का है डायरेक्ट टैक्स। और सेकंड क्या, टैक्स इज रिकवर्ड फ्रॉम द एसएससी हु पासेस सच बर्डन टू अनदर पर्सन, दस इट डज नॉट पिंचेस द टैक्स पेयर। अब क्या होगा, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर होगा, उसने टैक्स लगाया रिटेलर को, रिटेलर ने लगाया कंज्यूमर को,
अब मैन्युफैक्चरर ने तो पे किया लेकिन उसे पिंच नहीं हो, क्यों? क्योंकि उसने वसूल कर लिया किससे? रिटेलर से। अब रिटेलर इसको पे कर रहा है, रिटेलर ने किससे वसूल कर दिया? कंज्यूमर से। मीन्स कि हमने ही टैक्स पे किया, हमें पता नहीं चला, और मैन्युफैक्चरर ने पे कर लिया, उससे कुछ पिंच भी नहीं हुआ क्योंकि उसने पहले से ही हमसे वसूल कर दिया था टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है? तो लिवाइड ऑन इनकम, हमारी इनकम पे लगता है। और इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है? गुड्स एंड सर्विस दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। दस दिस टाइप ऑफ टैक्स लीड्स टू इन्फ्लेमेशन है वाइडर बेस, और उसका वाइडर बेस ही एक्स्ट्रा पॉइंट आप लिख सकते हो। यहाँ पे एग्जांपल दे दिया है इनकम टैक्स आपका, और डायरेक्ट टैक्स में कौन सा है टैक्स? इनकम टैक्स है। और इनडायरेक्ट टैक्स में कौन सा है? GST, कस्टम ड्यूटी एंड एक्सेट्रा, सेज और ETC। अब डायरेक्ट टैक्स नेचर में कैसा है? तो डायरेक्ट टैक्स नेचर में प्रोग्रेसिव नेचर, जितनी ज़्यादा प्रोग्रेसिव, क्यों? जितनी ज़्यादा इनकम कमाओगे टैक्स उतना ज़्यादा लगेगा, अगर इनकम बहुत कम कमाओगे तो टैक्स भी कम लगेगा, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेशन में कैसा है? वो हर एक पर्सन के लिए समान है, मतलब ये पेन कोई 1 करोड़ कमाने वाला लेगा तो भी इसके ऊपर टैक्स वो उतना ही पे करेगा जितना 1 महीने में 100 रुपया कमाने वाला खरीद रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रिग्रेसिव नेचर है इसका। ऑल पर्सन विल बियर इक्वल टैक्स ऑन गुड्स और सर्विस कंज्यूम्ड बाय देम, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 1.3, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ टैक्स। तो ये क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ टैक्स? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। अब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही सुप्रीम है, सुप्रीम इसके बड़ा लॉ है। इट्स कंसिस्ट ऑफ प्रीएम्बल 22 पार्ट्स कंटेनिंग 44 आर्टिकल्स। कितने? 22 पार्ट्स है जिसमें 444 आर्टिकल्स है एंड 12 शेड्यूल है, ठीक है। एनी टैक्स लॉ विच इज़ नॉट इन कन्फर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेल्ड एज इलीगल एंड वॉइड। जो भी अगर कोई पर्सन आपसे टैक्स कलेक्ट करता है और वो इस आर्टिकल के अंदर नहीं हुआ या शेड्यूल के अंदर नहीं हुआ तो वो एक वॉइडेबल टैक्स कलेक्ट हुआ, ठीक है। अगर आपसे कोई भी टैक्स कलेक्ट किया जाता है तो वो इन आर्टिकल्स के अंदर और शेड्यूल के अंदर होंगे ही। अब यहाँ पे सम ऑफ द कंस्टिट्यूशन प्रोविजन आर गिवन बिलो, और आर्टिकल 265 क्या कहता है? आर्टिकल 265 ये कहता है ऑफ द कंस्टिट्यूशन लेज डाउन डेट नो टैक्स शेल बी लिवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय ऑथोरिटी ऑफ लॉ। बिना कोई ऑथोरिटी ऑफ लॉ के कोई आपसे टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। इट मीन्स टैक्स प्रपोज टू बी लिवाइड मस्ट बी विद इन लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ लेजिस्लेचर इम्पोजिंग द टैक्स। मतलब उसके अंदर पहले वो आर्टिकल लिखा जाएगा, फिर उसे अप्रूव किया जाएगा, उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाएगा, उसके बाद ही कोई आपसे वो टैक्स कलेक्ट कर सकता है। आर्टिकल 246 इसमें वो क्या कहता है? आर्टिकल 246 ने तीन लिस्ट में टोटल कैटेगरी में बांटा गया है। आर्टिकल 246 ये कहता है कि जो भी आइटम्स यूनियन लिस्ट के अंदर आती है ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर ऑफ लेजिस्लेशन ऑन सब्जेक्ट मैटर्स। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को ही अधिकार है टैक्स कलेक्ट करने का, ठीक है। एंड जो आइटम्स स्टेट लिस्ट के अंदर आती है तो वो जो स्टेट लिस्ट के आती है स्टेट गवर्नमेंट को ही सिर्फ अधिकार है, और जो आइटम्स कॉन्करेंट लिस्ट में आती है वो दोनों सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास अधिकार है। फिर से मैं आपको कह देता हूँ, यूनियन लिस्ट में जो भी आइटम्स आती है वहाँ सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार है, स्टेट लिस्ट में जो आइटम आती है वहाँ स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार है, कॉन्करेंट लिस्ट में आइटम आती है वहाँ दोनों को अधिकार है। अब आते हैं 1.4, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स लॉज। अब ये एक स्ट्रक्चर है छोटा सा, सबसे पहले ऊपर आएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसके अंडर में आता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आएगा CBDT एंड CBIC। CBDT मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड CBIC मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। अब CBDT डील्स करता है, ये दोनों बोथ ऑफ बोर्ड्स हैव बीन कंसिडर्ड अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट, ये तो मैंने यहाँ देख ही रहे आप। अब CBDT डील्स विद लेवी एंड कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जो भी डायरेक्ट टैक्स से कलेक्शन होगा वो CBDT करेगा, और इनडायरेक्ट टैक्स से जो भी कलेक्शन होगा वो CBIC करेगा। इसका नाम ही सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स है, ठीक है। अब बेसिक प्रिंसिपल ऑफ चार्जिंग इनकम टैक्स, अभी यहाँ देख लो बेसिक प्रिंसिपल जहाँ इनकम टैक्स चार्ज होता है। सबसे पहले है पर्सन, टोटल तीन प्रिंसिपल्स है, पर्सन,
कि इनकम एक पर्सन की इनकम होती है उसकी प्रीवियस ईयर की इनकम असेसमेंट ईयर में कलेक्ट की जाती है। मीन्स कि ये चल रहा है 2020-21, मतलब मैंने जो 2019 और 2020 में कमाया होगा ये मेरा प्रीवियस ईयर हुआ, उसकी इनकम का टैक्स मैं 2020-21 मतलब ये हुआ मेरा असेसमेंट ईयर यहाँ पे करूँगा। सेकंड होता है रेट ऑफ टैक्स। अब आप कोई भी आइटम लेते हो या कोई भी सर्विस लेते हो तो एक फाइनेंस एक डिक्लेयर करता है रेट और एक इनकम टैक्स डिक्लेयर करता है रेट। फाइनेंस एक्ट में हर बार रेट चेंजेस होते रहते हैं, जैसे आप देख सकते हो किसी का जब पहले कुछ फूड आइटम्स 18% में थी अभी 12% में आ गई है, जो 12% में थी वो 5% में आ गई है। और इनकम टैक्स में क्या होता है वो फिक्स्ड होता है, जैसे आप किसी लॉटरी में हॉर्स राइडिंग में कमा रहे हो तो वहाँ आपका इनकम जितना कमा रहे हो उसका 30% टैक्स तो लगता ही है। अब लास्ट जो प्रिंसिपल है वो है TDS या एडवांस टैक्स, जहाँ भी एप्लीकेबल होगा वहाँ आपका TDS भी काटा जाएगा और वहाँ आपका एडवांस टैक्स भी काटा जाएगा। सो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट बताया मैंने। अभी ये सिर्फ पार्ट वन था, अभी नेक्स्ट बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू।